हेलो एवरीवन, आई एम दीपक पुरवे। दिस वीडियो इज फॉर क्लास सेवेंथ ऑन सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर एट रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट एट। इन दिस वीडियो वी डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक दैट इज इक्विवेलेंट रेशियो। EQUIVALENT इक्विवेलेंट रेशियोज RATIOS। नाउ वी डिफाइन इट। द वैल्यू ऑफ ए रेशियो remains same if both antecedent that is first term and consequent that is second term are multiplied by the same non-zero quantity or divided by the same non-zero quantity. Now let's understand it. In Hindi, the value of a ratio, एक रेशियो का वैल्यू सेम रिमेंस मीन्स रहता है इफ अगर बोथ एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट, यानी उस रेशियो का एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों, एंटीसीडेंट क्या हुआ फर्स्ट टर्म, जैसे ये रेशियो है इसका फर्स्ट टर्म हो गया एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट हो गया ये सेकेंड टर्म, दोनों ठीक है वो मल्टीप्लाइड हो बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी। सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों अगर मल्टीप्लाइड होगा तो भी वह रेशियो क्या होगा रिमेंस सेम रहेगा। तो न्यू जो रेशियो बनेगा वह पहले वाले रेशियो के इक्वल ही होगा, ठीक है। सिमिलरली बोथ एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट आर डिवाइडेड बाय द सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन आल्सो रेशियो रिमेंस सेम। ये मल्टीप्लाई करने के बाद रेशियो जो है सेम रहता है, सिमिलरली डिवाइड करने के बाद भी रेशियो क्या होता है सेम होता है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इट फ्रॉम एग्जांपल। लेट द रेशियो ऑफ 25 एंड 30, दो क्वांटिटी दो नंबर है, इसका रेशियो इस तरह से लिखा जाएगा 25:30। अब इसको फ्रैक्शनल में चेंज कर दिए, ठीक है फ्रैक्शन में नहीं भी चेंज कर सकते हैं। सिमिलरली अब ये एंटीसीडेंट था ये कंसिक्वेंट था, दोनों को सेम नॉन जीरो क्वांटिटी डेट इज 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारा न्यू रेशियो 50:60 फॉर्म हो रहा है। फिर सी रेशियो को 3 नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 75:90 हमको ऑब्टेन हो रहा है न्यू रेशियो। फिर इसी रेशियो को इसी रेशियो के एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट को 4 नंबर से दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा है तो 100:120 हमको न्यू रेशियो फॉर्म हो रहा है। और ये तीनों कंडीशन में हम मल्टीप्लाई करके दिखाए हैं, ठीक है आगे भी 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं 6 से, किसी भी नॉन जीरो सेम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना होगा तो जो भी न्यू रेशियोज हमें फॉर्म्ड होगा ऑब्टेंड होगा वे सभी आपस में इक्वल होंगे। सिमिलरली वी डिवाइड एनी रेशियो बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी देन न्यू रेशियो ऑब्टेंड इज इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो। तो यहाँ पर 25:30 है, इसको हम 5 नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं तो 5:6 मिला। ये 5:6 क्या होगा तो इसके इक्वल ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये 25:30 ये जो रेशियो है ये सिंपलेस्ट फॉर्म दैट मीन्स लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो लोएस्ट फॉर्म में क्या होता है एनी रेशियो इज सेड टू बी इन लोएस्ट फॉर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म इफ इफ देयर इज नो कॉमन फैक्टर
ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अदर देन वन। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर जो है 5 हो रहा है, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हुआ, कॉमन फैक्टर 5 यानी HCF से डिवाइड दे देंगे तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 25:30 को 5:6 हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में। और इसको हम, ठीक है, इस पूरे को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। सो 25/30 इज इक्वल टू 50/60 इज इक्वल टू 75:90 इज इक्वल टू 100:120 इज इक्वल टू 5:6। जितनी भी रेशियो है सभी आपस में क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेशियो, डेट मीन्स इक्वल रेशियो, इक्वल हो जाएगा सभी आपस में, या तो मल्टीप्लाई करने पे या तो डिवाइड करने पर। जो भी न्यू रेशियो फॉर्म होगा वह आपस में इक्वल होगा। दस इफ ए इज टू बी एंड सी इज टू डी आर टू इक्विवेलेंट रेशियोज। अब ये दोनों रेशियो इक्विवेलेंट है, ठीक है, ये दोनों इक्विवेलेंट है, देन वी राइट दिस ए इज टू बी को फ्रैक्शनल फॉर्म में ए बाय बी लिख सकते हैं और सी इज टू डी को फ्रैक्शनल फॉर्म में सी बाय डी लिख सकते हैं। तो जब दो रेशियो आपस में इक्वल हो जाए, ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम इसे लिख सकते हैं ए मल्टीप्लाई डी डेट इज ए डी एंड सी बी मल्टीप्लाई सी डेट इज बी सी। ये आपस में इक्वल हो जाएगा। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कैसे, तो यहाँ पर बी को इधर से इधर ले आएंगे तो ए बाय बी हो जाएगा, डी को इधर से उधर ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई उधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को इस तरह से और इस रिलेशन को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। तो दो रेशियो अगर इक्वल इक्विवेलेंट होता है तो हमें ये रिलेशन मिलेगा, ठीक है, ये रिलेशन मिलेगा। नॉन कंक्लूजन अगेन, व्हाट इज इक्विवेलेंट रेशियो, एनी एनी रेशियो व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइड, एनी रेशियो व्हेन मल्टीप्लाई और डिवाइड इट्स एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी, देन ऑब्टेंड न्यू रेशियो बिकम्स इक्वल टू ओरिजिनल रेशियो, ठीक है। कोई भी रेशियो को एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों टर्म को सेम नॉन जीरो क्वांटिटी से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद जो रेशियो मिलेगा वह निश्चित रूप से इक्विवेलेंट होगा, डेट मीन्स इक्वल होगा अपने ओरिजिनल, डेट मीन्स जो पुराना जो दिया हुआ है रेशियो उसके, यानी आपस में सभी रेशियो इक्वल हो जाएगा। नाउ सॉल्व सम क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। क्वेश्चन इज दैट गिव 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ ए 3:14 एंड बी 1:25:625। यानी क्वेश्चन में कह रहा है कि 4 इक्विवेलेंट देने के लिए पहला रेशियो है 3:14, इसका 4 इक्विवेलेंट, इस रेशियो का 4 इक्विवेलेंट रेशियो देना है, और दूसरा है 1:25:625, इस रेशियो का भी 4 इक्विवेलेंट रेशियो देना है। नाउ लेट्स सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट, फर्स्ट क्या है, 3:14 इट कैन बी रिटेन एज 3/14। नाउ वी हैव टू फाइंड 4 इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ दिस रेशियो। सो वी मल्टीप्लाई
its antecedent and consequent both by सेम नन जीरो क्वांटिटी. अगर यहाँ वन से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से यही मिल जाएगा. तो टू से मल्टीप्लाई करते हैं, टू से एंटीसीडेंट को, टू से कंसिक्वेंट को भी, तो क्या मिल जाएगा, 6/28. फिर 3/14 को ही हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंटीसीडेंट और कंसिक्वेंट दोनों को, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों को, तो 9/42 ये दूसरा मिल गया. फिर 3 × 4 और 14 × 4, फिर दोनों टर्म को 4 से मल्टीप्लाई किए तो 12/56 ये तीसरा मिल गया. अब 3/14 इसको 5 से और इसको भी सेकंड टर्म को भी 5 से, तो क्या मिला, 15/17. ठीक है, अब यहाँ पर 3/14 इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड 1 से करेंगे तो यही नंबर, यही रेशियो मिल जाएगा. 2 से करेंगे डिवाइड तो 2 से डिवाइड करने पर जो है ये वैल्यू देगा, लेकिन 3 यहाँ कम्प्लीटली 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा दूसरे टाइप का हो जाएगा, फ्रैक्शन रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे फॉर्म में. ठीक है, तो यहाँ जनरली डिवाइड देकर नहीं, हम मल्टीप्लाई करके ही निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डिवाइड देकर भी निकालना होगा तो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके 1, 2, 3, 4 पूछा जा रहा था, 4 रेशियोज फाइंड कर लिए. तो 10 4 इक्विवेलेंट रेशियोज ऑफ 3/14 आर 6/28, 9/42, 12/56 एंड 15/17. नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, व्हिच इज 125:625. इट कैन बी रिटन एज 125/625. नाउ 125 एंड 625 बोथ आर डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी दैट इज 5. वी गेट 125/625. अगेन 125 डिवाइडेड बाय 625 बोथ आर एंटीसीडेंट एंड कंसिक्वेंट डिवाइडेड बाय सेम नॉन जीरो क्वांटिटी दैट इज 25 is equal to 5/25. Now, again 125/625 divided by 125, we get 1/5. अब डिवाइड से जो बन सकता था बना लिए, अब मल्टीप्लाई करके करते हैं 125/625 बोथ आर मल्टीप्लाइड बाय 2, वी गेट 250/1250. दिस इज इक्विवेलेंट टू 125/625. Thus, 4 equivalent ratios of 125/625. Yeah, 125/625 is equal to 25/125, 5/25, 1/5 is equal to 250/1250. इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में, बराबर के फॉर्म में, यहाँ भी बराबर के फॉर्म में भी लिख सकते थे और रेशियो फॉर्म में भी हम लिख सकते थे. ठीक है, 25:125 = 5:125 = 1:5. ठीक है, थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो. द रिमेनिंग कंसेप्ट फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो.